हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत ही घेरदार लहंगे की वीडियो बताऊंगी। नेट के कपड़े में बनाएंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव लगेगा देखने में। तो सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो देखिए फाइनल लुक आप देखें, कितना सुंदर और कितना एक्सपेंसिव हमारा स्कर्ट लग रहा है। तो अब हम आपको पूरा मटेरियल दिखाते हैं। तो ये मेरे पास पूरा मटेरियल है और साइज़ इसकी लेंथ हमारे पास इसकी 40 है और हिप 36 और कमर 29 है। तो हम 30 लेके चलेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा पूरे में। तो देखें ये मेरे पास लेस है गोल्डन कलर की 10 मीटर, और ये मेरे पास नेट फैब्रिक है 5 मीटर, ये मेरे पास केन है 4 मीटर, 1 मीटर हम इसका टॉप बनाएंगे, ये 3 मीटर शैंटून है, 3 मीटर कॉटन है और 3 ही मीटर हमारा बॉर्डर के लिए शैंटून है। तो अब हम अपने नेट फैब्रिक को पहले खोलेंगे। सीक्वेंस का फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर लहंगा बनेगा। तो देखिए इसके अंदर नीचे की तरफ बॉर्डर है, ठीक है, और लंबी लंबी इसमें कलियाँ सी उठी हुई हैं, ठीक है। तो जो ये बीच की एक है, इसको हम कली के बीचों बीच चलेंगे। जब सारी कलियाँ जुड़ेंगी तो एकदम झड़ियाँ सी खड़ी हुई बहुत सुंदर दिखेगी। और अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। ये देखिए ये बीच का जो हमारा गैप आया 14 इंच का, यानी कली की चौड़ाई नीचे से 14 इंच, ऊपर से हमारी लगभग जो अभी साइज़ निकालेंगे वो आएगी। तो साइज़ मैंने लिख दिया है कि कैसे साइज़ है इसका, अभी बताऊँगी उसके बाद। तो देखिए एक कली हो गई, यहाँ से यहाँ 2 कली, यहाँ से यहाँ 3 कली। अब हम अपनी कलियाँ गिनेंगे कि हमारी इस कपड़े में कितनी कलियाँ बनेंगी, ठीक है। फैब्रिक को आगे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे, ताकि जितनी कलियाँ बनेगी कमर को हम उतने से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर कमर की चौड़ाई निकलेगी। तो देखिए हमारे पास 13 कलियाँ इस कपड़े में निकल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसकी कमर थी 30 कमर थी, तो उसमें हमने 4 बढ़ाया था, 34 हो गया। 13 कलियाँ आ रही हैं तो 13 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 2.6 आया, 2.6 हमारे पास तैयार आया है इसकी चौड़ाई। तो देखिए लेंथ हमारे पास 40 है, ऊपर 2.6 हमारे पास तैयार है। आधा इंच इधर मार्जिन लेंगे, आधा इंच उधर लेंगे, यानी ये हमारे पास 3.6 हो जाएगा। तो इस कली को जो बीच की ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये बिल्कुल हमारा बीचों बीच रहना चाहिए। आधा आधा इंच का मार्जिन दोनों साइड हम रखेंगे। ये देखिए अब हम कली की, पहले एक कली की शेप बना लेंगे, फिर इसी को काट काट के आगे रखते चले जाएंगे। एक कली आपकी ठीक कट जाएगी तो आपको सारी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ठीक बिल्कुल लंबाई हम बिल्कुल तैयार लेंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे ना तो वो हमारा मार्जिन में हो जाएगा। अब हम इसे काटेंगे। तो देखिए नीचे से 14 इंच है, ऊपर से 3.6 और लेंथ हमारी 40। अब हम इसे काटते हैं। ये देखिए जब एक कली कट जाएगी, अब इसी को हम देखिए बस डिज़ाइन को आप सिमिलर रखें बिल्कुल। ये देखिए जो बीच की एक कली उठती हुई दिख रही है, जो डिज़ाइन दिख रहा है ये बिल्कुल हमारा बीचों बीच ही रहना चाहिए, और जो नीचे के बॉर्डर हैं वो भी हमारे मिलने चाहिए। ये देखिए ठीक है, ये हमारी सारी कलियां कट गई। अब हम गिनते हैं, ये हमारी पूरी 13 कलियां कटी हैं। अब इसमें से हम एक कली निकाल लेंगे, ये बुकरम हमने ली है, बुकरम से हम इसमें चौड़ा बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ठीक, हम बुकरम के ऊपर इसको ऐसे रख लेंगे, और रखने के बाद अब हम जहाँ हमारा डिज़ाइन है लगभग 9 इंच तक के डिज़ाइन को लेंगे। वैसे है तो ये ज़्यादा बड़ा, लेकिन हम 9 इंच तक के डिज़ाइन को बुकरम में कवर करेंगे। ये देखिए ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं। अब एक हमने इसे काट लिया है एक कली के लिए, ये ऐसे ऐसे हमारे पास 13 पीस बनाने हैं हमें। अब देखिए एक बार उल्टा रखते जाएंगे, एक बार सीधा, ये देखिए ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, रखते हुए पूरी बुकरम में से हम 13 पीस काट लेंगे। ये देखिए 13 पीस हमारे कट चुके हैं। अब ये हमने एक शैंटून ली है जो हम इसके अंदर लगाएंगे इसको, क्योंकि नेट का कपड़ा है, बुकरम हमारी उसमें से चमकेगी। तो ये देखिए 4 तह में हम काट रहे हैं, ये 2-2 पीस एक के अंदर लगेंगे। तो हम इसे ऐसे रखेंगे,
जिससे हमारा कपड़ा भी बिल्कुल वेस्ट ना हो, और एक बार ऐसे, ठीक, फिर एक बार ऐसे ऐसे रखते चले जाएंगे। सारे पीसेस को हम काट लेंगे, अभी जोड़ना मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक और शैंटून का कपड़ा है जो मैंने आपको दिखाया था कि ये हमने 3 मीटर लिया है। इसके अंदर से हम गोल घेर की स्कर्ट जैसा काटेंगे जो हम अंदर लगाएंगे। ये देखिए, 4 तह में हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, जैसे हम गोल घेर का स्कर्ट काटते हैं ना, बिल्कुल उस तरह काटेंगे। बहुत बड़ा घेर आएगा इसका। ये देखिए, 4 तह में हमने फोल्ड कर लिया। एक साइड हमारे पास खुली है, एक साइड बंद है। तो हम बंद साइड को अपनी तरफ करके, ये देखिए, ये हमारा खुला है, ये बंद है, तो हम इसे पलट लेंगे ताकि हमारे को जो हम गोलाई बनाएं वो हमारी बंद साइड पर बने। तो देखिए, हमारे पास 30 इसकी कमर थी, उसका आधा हमने करा, 15 हो गया। 15 का भी आधा करेंगे तो हमारे पास 7.5 हो जाएगा। 7.5 को ऐसे गोल घुमा के हम रखेंगे। ये देखिए, जब हमने घुमाया, घुमाने के बाद ये देखा हमारे पास 4 इंच आया है। अब हम इसमें 4-4 इंच की पूरी गोलाई बना देंगे। ठीक है, ये गोलाई बन गई। अब हम यहाँ पर जो इसकी लेंथ लगाएंगे तो हमारे पास 40 तैयार है। 2 इंच की बेल्ट लगेगी, और 2 इंच हम नीचे से सब में तो बढ़ाते हैं, इसमें हम कम करेंगे तो हम 36 ले लेंगे। 36 की पूरी गोलाई हम काटेंगे। ये देखिए, ऐसे करके पूरी 36 की हम एक गोलाई काट लेंगे। यहाँ पे जो हमारा कम कपड़ा बचेगा उसका हम जोड़ डालेंगे, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, पहले हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए, जब हमने इस कपड़े को काटा, काटने के बाद इसी कपड़े को हम इसके आगे रख देंगे। ये देखिए, रखने के बाद बस यहाँ से भी हम गोलाई काट लेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको सिलना अभी ही बता दूंगी, तो आप इसे देखें, इसको मैंने किस तरह करा। सारे जोड़ों को मैंने इसे जोड़ लिया, और नीचे से भी मैंने गोलाई इसकी मोड़ दी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक मोड़ेंगे क्योंकि हमने मार्जिन नहीं रखा है। ये गोल घेर का है, लटकता है, इसलिए हमने इसे कम किया है। इसके हमने एक साइड सिलाई भी लगा दी है। ठीक है, ये अब हम इसका जो अस्तर है वो काटेंगे, कॉटन वाला। 38 इंच हमने लेंथ ली है, 40 लेंथ थी, 2 इंच का बॉर्डर ऊपर लगेगा, तो 38 हमने ले लिया है इसको। देखिए, हमने इसमें बढ़ाया कुछ नहीं है, मार्जिन नीचे नहीं रख रहे हैं। 38 इंच को हम डबल करके पहले इसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इस कपड़े को खोलेंगे, दोनों किनारी को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई सेट करेंगे। तो देखिए, हिप हमारे पास 36 थी, तो हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे पूरी 36 लेंगे, और लेने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, और 7.5 लेना था, 1 इंच बढ़ा के 8.5, ये 8.5 इधर से, 8.5 इधर से, मार्जिन एक्स्ट्रा है। ये देखिए, अब इसको हम तिरछा मिला लेंगे और इसको भी हम काट देंगे। अब एक के ऊपर एक रखेंगे, इसकी गोलाई भी हाथों हाथ कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर से काटा, ये हमारे पास 38 है, यहाँ से यहाँ भी हम 38 लेंगे, और लेने के बाद इसको भी हम गोलाई में काट लेंगे। तो अब देखिए, सिलने का तरीका देखते हैं हम इसको। तो देखिए, इसमें से पहले 2 पार्ट को हम अलग कर देंगे, और ये जो हमारे 2 पार्ट है इसको भी हम खोल लेंगे। एक साइड तिरछा है, एक साइड सीधा है, तो सीधा और तिरछा मिला के इसे सिल देंगे। ठीक है, जब ये सिल जाएगा फिर हम इसको खोलेंगे। अब ये हमारे पास पार्ट सीधा है, इसके साथ तिरछा मिलाएंगे। ठीक, अब ये खोला, ये सीधा आया, इसके साथ हम तिरछा मिलाएंगे। ऐसे मिलाते हुए हम इसे पूरा करेंगे और नीचे से मोड़ लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारे पास जो हमने शैंटून के कपड़े काटे थे बुकरम के लिए, जो इसकी छोटी साइड है उसको हम ऐसे मिला के सिल देंगे। 2 हिस्से शैंटून, 1 हिस्सा बुकरम। अब हम इसे पलटेंगे, और पलट कर भी नीचे से चौड़ी वाली साइड को सिल देंगे। ये देखिए, यानी हमने इसे बुकरम को कवर कर लिया है। ये देखिए, इस तरह सारे हमने पीस करे, और करने के बाद जहाँ तक हमने बॉर्डर के लिए काटा था वहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए, ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब दूसरी कली हम ले के इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये देखिए,
ये दूसरी कली हमने जोड़ दी, इसके साथ दो कलियाँ जुड़ गई। अब इसी प्रकार सारी कलियों को जोड़ते चले जाएंगे। अब ये देख रहे हैं ना, डिज़ाइन हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। बस आप इस तरह डिज़ाइन मैच करते हुए कलियों को आगे जोड़ते चले जाएं। ये देखिए, अब मैं तीसरी कली को आगे जोड़ूंगी, क्योंकि मैंने इसमें बुकरम लगा के सारी रख ली है। एक लगानी दिखा दी थी, बाकी उसी तरह हम लगाते चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, तो इसीलिए मैंने आपको एक लगाना दिखाया। बाकी हम देखें ऊपर से भी, देखो आप कमर के पास से कितना अच्छा मिलता चला जा रहा है। और ये देखिए सारी कलियाँ हमारी जुड़ गई हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी सुंदर एकदम लग रहा है। और ये देखिए लंबाई हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट 40 आई है, जो हम बेल्ट लगाएंगे इसी के ऊपर पलटेंगे। अब हम इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम पाइपिंग लगा लेंगे, जो हमने गोल्डन पाइपिंग 10 मीटर आपको दिखाई थी ना। ये देखिए पाइपिंग आप अपने आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसकी चुन्नी पे गोल्डन पाइपिंग लगी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर भी लगाई है नीचे की तरफ। अगर आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमने बेल्ट ली है, जितनी हमारी कमर है उससे लगभग 4 इंच बड़ी ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बुकरम लेंगे, शैंटून की पट्टी लेंगे और नेट लेंगे। ये देखिए इन सबको आपस में हमने सिल लिया। सिलने के बाद इसके दोनों साइड पे हम पाइपिंग लगाएंगे। देखिए दोनों साइड जब पाइपिंग लग गई, 1-2 इंच की हमने पट्टी ली जिसके अंदर हम डोरी डालेंगे, ये वो जगह है। और मोड़ने के बाद इसके नीचे रखते हुए हम इसे सिलेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर बैठी सिलाई लगाएंगे। एक साइड तो हमने डोरी की जगह बना दी, एक साइड हमने ये नीचे की तरफ पलटेगा, ये वो पोर्शन है। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कॉटन वाला पोर्शन लिया है, जो हमने एक चार कली के पेटीकोट की तरह सिला है। ये हमने केन स्कर्ट बनाई है, इसका मैंने पेज पे अपने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। केन केन स्कर्ट है ये देखिए। अब इसके बाद ये वो हिस्सा है जो मैंने गोल घेर की स्कर्ट बनाई थी। ये देखिए सबके हम बीच के पोर्शन लेते हुए चल रहे हैं। ये देखिए ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक की स्कर्ट रखेंगे। ये देखिए बहुत बड़ा घेर है, बहुत ही सुंदर। देखिए 10 मीटर मैंने जो पाइपिंग ली थी वो सारी मेरी इसके अंदर लग गई है। अब हम इसे सारे बीच के पोर्शन मिलाएंगे और पहले एक साइड पे हाथ से कच्चा कर लेंगे और फिर बाद में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी इसे। ये देखिए एक साइड का जुड़ गया, अब हम दूसरी साइड का जोड़ें, बिल्कुल सेम ऐसे फिर मशीन से जोड़ेंगे। ये देखिए भारी है ना, इसलिए कच्चा संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए मशीन लगाना ज़रूरी है। अब ये हमने जो बेल्ट बनाई थी इसके नीचे की तरफ आपको दिखाया था, लगभग 1 इंच कपड़ा जो था उसके अंदर हम अपना ये जो स्कर्ट है वो जोड़ देंगे और फिर ऊपर की तरफ पलटेंगे, उल्टी तरफ से रखेंगे। अब हम सीधी तरफ पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे, ऊपर जो जगह दिख रही है इसमें डोरी जाएगी। अब हम इसकी चेन लगाएंगे। ये देखिए बेल्ट के अंदर को करके चेन लगाएंगे, बेल्ट के ऊपर चेन नहीं लगाएंगे। ये देखिए अब बाहरी हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। अब ये जो कपड़ा दिख रहा है ना, इसको पलट के सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बन जाए।
अब देखिए दूसरी साइड की चेन लगाएंगे, पहले इसे पिनअप कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ दिख रहा है इसको हम अंदर मोड़ देंगे। ये देखिए इसको हम अंदर मोड़ के सिलाई लगा देंगे, यहाँ हमारी हुक और आई लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स सारी हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको साइड से बंद करना है। तो साइड से बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों कपड़ों को एक साथ पकड़ेंगे और यहाँ तक ये देखिए लगभग चेन से नीचे 6 इंच तक हम इसे सिलेंगे। तो सिलने से पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे ताकि हमारे सारे कपड़े सिमटे रहें। तो ये देखिए ये हमने पिनअप कर ली, यहाँ तक के हम कपड़े सारे एक साथ सिलेंगे और उसके बाद के जो कपड़े हैं उनको सबको अलग अलग पकड़ेंगे और अलग अलग सिलेंगे। देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो फ्रेंड्स ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में लाइक और सब्सक्राइब